आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे कौन सा कैमरा लेना है, तो बस हम लोग शॉप में गए, ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया, डायरेक्टली वी आस्क्ड फॉर द कैमरा वी वॉन्ट, डिड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, एंड फाइनली आई हैव माई फर्स्ट वेरी ओन सोनी A6700 इन माई हैंड. Finally, I've got my first ever camera, Sony A6700. अभी मैं बहुत खुश हूँ. I've just come out. अभी हम लोग डायरेक्टली घर जा रहे हैं. उसमें बैटरी नहीं है, अदरवाइज आई वॉज थिंकिंग उसी से शूट करूँगी, बट अभी उसका बैटरी चार्ज हो रहा है, तो घर जाके प्रॉपरली उसको हम लोग यूज़ करेंगे, देखेंगे, एंड आई विल शो इट टू यू एज वेल. सो वी हैव फाइनली रीच्ड होम. अब ऊपर जाके ठीक से अच्छे से कैमरा देखना है. ऑलराइट, सो हियर इट इज, द सोनी अल्फा 6700, माय फर्स्ट प्रोफेशनल कैमरा. वैसे तो हम लोग ने अनबॉक्सिंग कर ली है शॉप में, तो ये मैं अभी रखती हूँ साइड में. दिस इज द कैमरा दैट आई हैव. सो आई हैव गॉट कैमरा बॉडी प्लस आई हैव गॉट द किट लेंस विच इज 1650mm लेंस. और इसके साथ इस कैमरे में मुझे मिले हैं, लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द बॉक्स. सो वी हैव दीज डॉक्यूमेंट्स हियर. इसके साथ वारंटी कार्ड भी मिलता है दैट यू हैव टू स्कैन एंड रजिस्टर योर वारंटी. देर इज अ यूजर गाइड एंड आई ऑल्सो गॉट दिस यूवी फिल्टर विच इज ऑलरेडी देयर अटैच्ड ऑन द लेंस हियर. और मुझे इसके साथ मिला था स्क्रीन गार्ड जो मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी लगा दिया है शॉप में ही. सो दैट्स इट फ्रॉम द बॉक्स. आई हैव ऑल्सो गॉट दिस बेसिक कैमरा बैग फ्रॉम सोनी. आई हैव गॉट वन मोर थिंग इन दिस. इसके साथ ही सोनी का ही मेमोरी कार्ड आता है विच इज हियर. आई विल जस्ट शो यू. सो दिस इज द मेमोरी कार्ड दैट आई हैव गॉट. इट्स 64GB, सोनी का ही है. एंड नाउ लेट्स गो आउट एंड टेक सम फुटेज यूजिंग my latest camera. So now I'm out and I'm here to try this new camera in the daylight. Dekhte hain kaisa aata hai footage. Right now I have a very basic setting which is the minimum aperture f3.5. 4K 24 fps pe shoot kar rahi hu and I have my base ISO set which is 800. And now let's see how the footage looks like in the daylight. Chalo. Thank you.
now that we have seen the daylight and the low light footage, I'm going to tell you a few more things about it. Number one is the accessories. Right now, mere paas sirf basic kit lens hai, jo hai 1650mm ki. To use the full potential of this camera, you need a couple of accessories. Sabse pehle to lens chahiye. Yahi shots agar mere paas dusri lens hoti, let's say Sigma ki 1018 lens hoti, it would have been much better shots. The second thing that is required is a gimbal. Right now also, I'm holding this camera in my hand. My hand is paining, of course, kyunki aise pakad ke shoot karna, it is very difficult, but that's what I wanted to show you. हैंडहेल्ड कैमरा पे सारे शॉट्स लिए हैं तो बहुत सारा मूवमेंट होगा. ऑफ कोर्स मैंने स्टेबिलिटी ऑन किया था. यूजिंग अ गिम्बल इट वुड हैव बीन कम्प्लीटली डिफरेंट. द सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द लाइटिंग सिचुएशन. आई हैव सीन द फुटेज शॉट ऑन दिस पर्टिकुलर कैमरा ऑन यूट्यूब और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते थे. बट देन आई अंडरस्टूड कि वो सारी वीडियोज जो मैंने देखी थी वो सब बाहर की थी, लाइक आउट ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ देम, एंड द लाइट सिचुएशंस आउट ऑफ इंडिया आर वेरी डिफरेंट देन हियर. सो द फुटेज दैट यू सी are in Indian conditions. I wanted to show you what originally it looks like when we shoot here in India. The third thing that I wanted to tell you is about the post-production. Maine jo bhi shoot kiya hai, wo S-Log 3 pe shoot kiya hai. And I have just applied a very basic LUT called the Rec 709. So I have applied only that LUT to all the S-Log 3 footages. There is no other color gradation. The shots will look very different when I apply more cinematic LUTs to it or when I do a lot of color grading to it. The fourth and very important point is that ki I am an amateur. मैंने कभी भी professional camera ऐसे use नहीं किया है अपने vlogs में. मैंने सारे vlogs GoPro से किए हुए हैं. I have very little experience. Having said that, in this particular situation, जो मेरे पास basic चीज़ें हैं उसके ऊपर और अच्छे footages कैसे ले सकते हैं, you guys can tell me in the comments down below. So that's all for today's video. I'm going to explore more with this camera. See you soon in my next video. Bye bye.